हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हाफ ईयर बर्थडे केक, जो मैं मैंगो फ्लेवर से बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। पहले इस केक को हम ऊपर की लेयर निकाल लेंगे। ऊपर की लेयर निकालने के बाद इसे हम हाफ कट कर लेंगे और इसे टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, तो अभी इसे हमने हाफ कट कर दिया है। इस केक को हाफ इसके ऊपर ऐसे लगाना है और हाफ बर्थडे केक हमारा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक तो वेनिला केक लिया है और ये एक शुगर सिरप लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा फ्लाइंग बर्ड का मैंगो इमल्शन यूज़ किया है। कुछ दो चार ड्रॉप्स मैंने इसके शुगर सिरप में ऐड किया है। और ये मेरी व्हिपिंग क्रीम है, इसमें भी मैंने मैंगो इमल्शन यूज़ किया है। तो अब इस पर हम आइसिंग स्टार्ट करते हैं। पहले शुगर सिरप से अच्छी तरीके से इसे सोक करना है ताकि आपका केक बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। अब ये क्रीम लगाने के बाद यहाँ मैं थोड़ा सा मैंगो पल्प यूज़ कर रही हूँ, जो मैंगो फिलिंग्स एंड टॉपिंग्स के नाम से आपको मिल जाएगा। ये मैंगो फिलिंग्स एंड टॉपिंग्स मैंने ये माला की यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं। ये रिच का है, आपको ये मैप्रो के भी मिल जाएंगे, फिलिंग्स एंड टॉपिंग्स करके ये आता है मार्केट में। तो यहाँ मैंने क्रीम के ऊपर इसे अप्लाई किया है। अब इसकी सेकेंड लेयर रखेंगे, अगेन वही प्रोसेस, सिरप डालना है, क्रीम डालना है, फिर हमारा मैंगो पल्प डालना है। फिर एक लेयर लगाएंगे। अब ये हमारी लास्ट वाली लेयर। अब इस पे हम कोई फिलिंग्स नहीं लगाएंगे, हमें सिर्फ आइसिंग करनी है। अब इस पे फिलिंग जो भी है वो अंदर की लेयर में जाती है, ऊपर की लेयर में नहीं लगाते हैं। अब इसे हम सिर्फ क्रम कोट करके फ्रिज में थोड़ी देर रखेंगे सेट होने के लिए। क्रम कोटिंग जब भी आप करते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 आवर फ्रिज में रखना होता है। क्रम कोटिंग का मतलब होता है, ये जो आपको बेस दिख रहा है, ये बेस से टच करके आपको आपका क्रीम लगाना है, क्योंकि फिर इससे जो क्रम्स होते हैं वो क्रीम में अच्छे तरह से सेट हो जाते हैं। और जब आप फाइनल क्रीम इस पर लगाएंगे, हम इसके बाद इसकी डबल कोटिंग करेंगे, तो जब फाइनल क्रीम हम लगाते हैं तो ये क्रम्स बीच में नहीं आते हैं और अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब हमने इस पर क्रम कोटिंग कर दी है अपने केक पे। अब इसे हम थोड़ा चिल होने रखेंगे फ्रिज में, इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद फिर डबल से हम इस पर आइसिंग करेंगे। तो अभी हमारा केक सेट हो चुका है, तो अब हम इसमें फाइनल कोटिंग करेंगे। यहाँ मैंने वाइट व्हिप क्रीम लिया है। ये केक एक्चुअली हम एक बर्थडे बॉय के लिए बना रहे हैं, जिसका 6 मंथ कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन वाइट और ब्लू रखने वाली हूँ।
हम ये स्क्रैपर से इसको शेप देंगे, इससे काफी अच्छे से शार्प हो जाता है केक। केक हमारा हमने व्हाइट क्रीम से आइसिंग करके रख दिया है। अभी हम इस पर थोड़ा ब्लू से डेकोरेशन करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर ले रही हूँ। क्रीम में मैंने ये रॉयल ब्लू कलर मिक्स किया है, ये जेल कलर होता है। जेल कलर से काफ़ी डार्क आता है कलर क्रीम में, इसके लिए मैं ये जेल कलर यूज़ करती हूँ अपनी क्रीम में। तो अब इसे हम पाइपिंग कैन में डाल लेंगे। यहाँ मैंने एक स्टार नोजल लिया है स्मॉल वाला, उससे हम इसको आइसिंग बॉर्डर करेंगे। ये हमारा बॉर्डर बन गया। अब ये हम इस केक को थोड़ा डेकोरेशन करेंगे। ये मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट से बनाया है, बेबी का मोल्ड आता है, ये बेबी के मोल्ड से मैंने ये स्मॉल बेबी बनाया है। अब हम इस पर कुछ और डेकोरेशन करेंगे। ये मैंने फॉन्डेंट कटआउट्स थोड़े निकाल के रखे हैं यहाँ पे। हमारा केक एकदम रेडी है।